हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। बच्चों, आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का डे 11। पिछले वीडियो लेक्चर में डे 10 में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोइस्टर्स, संविन्यासी, आइसोटोन्स, इन सब की बात हमने कर ली थी। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं कि किसी भी कोर्स में इलेक्ट्रॉन का वितरण हम कैसे करेंगे। और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देखने वाले हैं और बहुत ज्यादा ट्रिक, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स सीखने वाले हैं, जादू सीखने वाले हैं केमिस्ट्री में। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला टॉपिक हुआ है बोहर परमाणु, बोर बरी का नियम, बोर बरी का नियम। देखिए, ये बात तो समझ में आ गई आपको कि कोई भी परमाणु है तो उसका एक अति सूक्ष्म भाग है जिसको धनावेशी भाग है, जिसमें हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रह रहे हैं। ठीक है, नाना पार्टिकल रह रहे हैं। इस धनावेशित भाग के बाहर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं समूह हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हमने बोहर परमाणु मॉडल में पढ़ा था। तो अगर ये जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं नाभिक के बाहर, उन वृत्ताकार कक्षाओं को हमने कोष नाम दिया था, के, एल, एम, एन इत्यादि अक्षरों से प्रदर्शित किया था। तो आज हम देखेंगे कि उन कोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं बोहर बरी का नियम। देखिए, इसे बोहर बरी नियम भी कहा जाता है। ये बोहर बरी कही है या बोहर बरी कही है? पहला नंबर ये जान लीजिए कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, किसी भी कोष में, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है, अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितनी होती है? अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n स्क्वायर होती है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये पूछा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कि किसी भी कोर्स में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, वो होती है बच्चों 2n स्क्वायर। दूसरी बात याद रखिएगा, जहां पे n याद रखिए, n बराबर कोष की क्रम संख्या, कोष की क्रम संख्या। अगर पहले कोष की बात करेगा तो n बराबर आप 1 रखोगे, दूसरे कोष की बात करेगा तो n बराबर 2 रखोगे, तीसरे कोष की बात करेगा तो आप n बराबर 3 रखेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी बात याद रखिए कि किसी भी तत्व के बाहरी कोष में, किसी भी तत्व के बाहरी कोष में, ठीक है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दूसरी और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि बाहरी कोष में 2 से ज्यादा तभी होगा, किसी भी तत्व के बाहरी कोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होगा, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब पिछला कोष भर चुका हो, जब पिछला कोष क्या हो चुका हो, भर चुका हो। अगर पीछे वाला पूरा भर चुका है तभी हम बाहरी कोष में क्या करेंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट ये आता है चौथा नंबर कि सबसे पहले के कोष को भरते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद एल कोष को भरते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद एम कोष को भरते हैं और एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम एन कोष को भरना प्रारंभ करते हैं। तो अभी मैं आपको जब बताऊंगा कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है तो आप समझ पाएंगे कि के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में अधिकतम 18 होते हैं, पर पहले भरते 8 हैं क्योंकि 18 होगा। तो मान लीजिए इसमें 2 भरा, इसमें 8 भरा और इसमें 9 भर दिया, इसमें भर सकते हैं 18, एम में टोटल भर सकते हैं 18। अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको पॉज करके नोट करिए, ये सारे नियम जानने जरूरी थे। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करेंगे। क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस नियम द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन हो जाए बोहर बरी का नियम, दूसरा रदरफोर्ड का नियम, तीसरा आ जाए हुड का नियम, चौथा आ जाए पाउली का पॉइसन नियम। तो आंसर सही होगा बच्चों बोहर बरी का नियम। याद रखिए कि कोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए जो नियम दिया गया था वो बोहर बरी का नियम था। कोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण, मान लीजिए किसी तत्व के पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने हर कोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार करेगा, वो किस नियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है, बोहर बरी के नियम के द्वारा। क्या क्या है, पहला पॉइंट याद रखना है कि बाहरी कोष में 2n स्क्वायर, किसी भी तत्व के पास क्या हो सकता है, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है और उसके बाहरी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है।
तीसरी बात कि उसके बाहरी कोष में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब उससे पीछे वाला कोष क्या हो चुका होगा, भर चुका होगा। सबसे पहले के कोष को भरते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रॉन डालेंगे, के बाद एल कोष को भरेंगे उसमें आठ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, आठ इलेक्ट्रॉन के बाद जब एम कोष को भरेंगे और उसमें भी आठ इलेक्ट्रॉन तक भरेंगे, और उसके बाद जैसे आठ भर जाएगा इसमें फिर एन कोष को भरना प्रारंभ करेंगे, और एन में जैसे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फिर उल्टा आ जाएंगे किस पे, एम कोष पे, समझ रहे हो, यम कोष पे आएंगे और यम को तब तक भरेंगे जब तक ये 18 ना हो जाए, और फिर उसके बाद हमारे यम कोष के पास जाएंगे। तो ये सब नियम कानून अभी सबका सब मेरे ट्रिक के सामने एकदम बौना बन जाएगा और आप बहुत आसानी से ट्रिक के सहायता से कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना पाएंगे। तो पहले इसको पॉज करके नोट करिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी नोट करिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमने कहा के एल एम एन, हमारे पास चार कोष है, केवल इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। एन इक्वल टू इसके लिए क्या होगा, इसकी जो सीरियल नंबर होगा, इसका जो क्रमांक होगा, उसके लिए n बराबर एक, इसके लिए n बराबर दो, इसके लिए n बराबर तीन, इसके लिए n बराबर चार। और ये जो n लिखा हुआ है ना बच्चों, ये n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है, ये भी याद रखिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, ये किसी भी कोष को व्यक्त करता है। n बराबर एक अगर दे दे एग्जाम में कि n बराबर एक क्या प्रदर्शित करता है, तो k कोष को प्रदर्शित करता है, n बराबर चार क्या प्रदर्शित करता है, एन कोष को प्रदर्शित करता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात तो हो गई सेल की। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे बताओगे, जल्दी बताओ, 2n स्क्वायर, यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, इसका 2n स्क्वायर लगाएंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8, इसका 2n स्क्वायर लगाएंगे तो 2 × 2 = 3 का स्क्वायर बराबर 18, और इसका 2n स्क्वायर लगाएंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर बराबर 32, ठीक है। यानी कि के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। एल में 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। और एन में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 32, यानी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। तो ये बातें हो गई बच्चों कि हम किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। आपसे बहुत बार पूछ देगा, कहेगा कि यह कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। किस नियम के द्वारा निर्धारित कर रहे हैं बच्चों, 2n स्क्वायर नियम के द्वारा हम किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात कर रहे हैं। ये हो चुका होगा, पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे बनाएंगे। सिंपल हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, के एल एम एन ये कोष है, तो इसका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो पहला के में जाएगा। इसी तरह अगर लिथियम का ले लें, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो के कोष में कितना भरेंगे, 2, बचा कितना मेरे पास, 1, तो अब इसमें कितना भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। यार मैं किसका वितरण कर रहा हूँ कोष में, इलेक्ट्रॉन का वितरण कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना बच्चों, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं, प्रोटॉन का वितरण नहीं कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धनायन का भी हो सकता है, ऋणायन का भी हो सकता है, उदासीन का भी हो सकता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उस दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि नहीं सर, प्लस आया माइनस आया डजंट मैटर, जो एटॉमिक नंबर है उसी का बना दो। यार इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हो, ठीक है ना, अब प्रोटॉन का नहीं बना रहे हो, ठीक, क्योंकि सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। अब चलो जैसे आप थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जैसे मैं आप बात करूं यहाँ पे ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ये हो गया पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में कितना हो गया, 6, के में 2 भर देंगे, बचा कितना इसमें से, जैसे से भरते जाएंगे वो इसमें से माइनस होता जाएगा। अगर मैंने इसमें 2 भर दिया तो कितना माइनस हो गया, इसमें से 2 माइनस हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन के एयर में भर देंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन का होता है 9, ठीक है, तो 2 और इसमें 9 कितना भरेंगे, 9 भरेंगे, 7 भरेंगे यार, तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हो गई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 11 सोडियम का बनाते हैं। चलो अब थोड़ा सा मजा आएगा, के एल एम एन, पहले वाले में कितना भरना है, 2, दूसरे में कितना भरना है, 8, क्योंकि एल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 8 तो कितना हो गया, 10, बचा कितना आप तुम्हारे पास, 1, तो ये यहाँ पे हो गया 1। अब ध्यान से समझो बच्चों, कुछ क्वेश्चन यही समझ लीजिए, इसको कहते हैं बाहरी कोष, क्या कहते हैं, बाहरी कोष, आउटर मोस्ट सेल, क्या कहलाएगा ये, आउटर मोस्ट सेल, ध्यान से समझिए, आउटर मोस्ट सेल है ये, ठीक है, जो किसी तत्व के बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी कह सकते हैं कि वो उस तत्व की वर्ग संख्या बताता है, क्या बताता है, वर्ग संख्या। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा आपको, आवर्त सारणी, वहां बता दूंगा कि वो तत्व किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, ये पहचानना आप जान जाएंगे, क्योंकि आवर्त और वर्ग आप पहले से 10th पास है तो आप समझ रहे होंगे बात को,
तो यहाँ भी एक बार याद रखिए कि जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या बताता है, वर्ग संख्या, और जो कोश की क्रम संख्या होती है वो बताती है आवर्त संख्या। तो कौन कितनी क्रम संख्या होगी, एक दो तीन, तीन कोश में भरा है तो इसकी आवर्त संख्या हो जाएगी तीन। ठीक है बच्चों। अच्छा चलो अब आ जाओ सीधा सीधा क्लोरीन के पास, 17 जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहा हूँ, 2, 8, 2, 10, 7, 17 ये क्लोरीन का हो गया। बट अगर किसी ने तुम्हें कह दिया कि Cl- का बना होगा, अब क्या करोगे बच्चों, Cl- का यार मतलब क्या होता है, Cl- का मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, जिन लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का भाग 1 नहीं देखा है क्लास, वो डे 10 वाले ने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के डे 10 में जाकर के देख लें, यूट्यूब पे टाइप करें आलम फाउंडेशन क्लासेस प्लेलिस्ट से जाकर के देख लें कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का डे 10 में क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, अब Cl- का बनाना है तो पहले 2, 2, 2 में 8, और अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अच्छा लेना और देना कहाँ से हो सकता है, कोई भी परमाणु यार इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा अपने बाहरी कोश से, कहाँ से देगा, बाहरी कोश से, कहाँ लेगा, बाहरी कोश में। तो यार बाहरी कोश कौन सा है, यही तो है बाहरी कोश, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 8 हो जाएगा। यही सोडियम प्लस की बात करोगे तो सोडियम प्लस 11 परमाणु क्रमांक तो 11 रहेगा ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10, इसका परमाणु क्रमांक 17 रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ठीक है, क्यों, क्योंकि 17 था एक लिया तो 18 हो गया, 11 था एक लिया तो 10 हो गया। 10 का बनाओ तो कहां से इलेक्ट्रॉन गायब होगा, बाहरी कोश से, बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, ये गायब कर दो तो क्या बनाओगे, 2 और 8। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ इधर वाला, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि 17-18 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं, 19 नंबर है। ठीक है, तो पहले होगा के एल एम एन, चलो पहले कितना भरा, 2, दूसरे में कितना भरा, 8, तीसरे में कितना भरेंगे, 8, तीसरे में भी कितना भरेंगे, 8। समझ में आ रही बात। अच्छा मान लीजिए हमारे पास है कुल 12 इलेक्ट्रॉन, तो पहले हमने 2 भरा, दूसरे में 8 भरा, अब तीसरे में भी 8 ही भरेंगे, नहीं भाई हम पहले काउंट करते जाएंगे कितना हो गया यहाँ पे 10 माइनस करेंगे कितना बचा, 9 इलेक्ट्रॉन बच चुका है। तो क्या इसमें हम 9 भर सकते हैं, अगर 9 भर देंगे तो क्या ये हमारे नियम को गलत कर देगा, यस, कहता है कि बाहरी कोश में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गलत है। ठीक है, सही क्या होगा पोटेशियम का, तो के एल एम एन, चलो देखो 2, 8, 8 कर दो इसको, और बाहरी कोश मैंने कहा कि पहले 2 भरते हैं, एल में 8 भरते हैं, एम में भी 8 भरते हैं, और जब एम में 8 भर जाता है तो एन में भरना शुरू करता है, और एन में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, अब आ जाओ कैल्शियम की बात करो 20 वाले की, तो 2, 8, 8 और लास्ट में कितना भरा जाएगा, 2। अब इसके बाद से 30 तक के जादू है, 30 तक का भरना बहुत आसान है, ZN तक, कैसे वो समझो बात। अगर आपको मान लीजिए 26 का भरना है, ठीक है 26 का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना है तो क्या करेंगे, पहले में आप 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, पहले और दूसरे में तो फिक्स हो गया, आप समझ पा रहे हैं कि पहले और दूसरे में क्या भरना है। ठीक है, तो चलो देखो क्या हो गया, 2, 8 हो गया, अब 8 तो कितना हो गया, 10। अब बीच वाले को छोड़ दो, समझ गए, लास्ट में ले जाके 2 भर दो, यार सीखो ना मेरे भाई, पहले में 2 भरा, दूसरे में 8 भरा, बीच वाला छोड़ दिया, लास्ट में क्या भर दिया, 2। अब इनको जोड़ लो, 2, 2, 4, 8, 4, 12 घटाओ इसमें से कितना होगा, 12 और 14, 26। किसी ने कहा सर 30 का बना के दिखाओ, पहले में 2, दूसरे में 8, लास्ट वाले में 2, बचा कितना, 2, 2, 4, 8, 4, 12, 12 और 18 कितना होगा, 30। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 20 और 30 के बीच के। अभी आगे भी बताता हूँ, पहले इनको पॉज करके नोट करिए, क्या मैं इधर बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ उन सबको बहुत अच्छे से याद रखना, केमिस्ट्री में कुछ भी अपवाद नहीं होता है दोस्त, ये टीचर आपको कह देता है कि बाबू ये अपवाद है, वो अपवाद आपके लेवल को देख करके कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो केमिस्ट्री में कोई अपवाद नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन अगर है तो उसके पीछे रीजन है, समझ रहे बात को, ये नहीं कह के चल सकते कि अपवाद है, उसके पीछे का रीजन जरूर होगा। जैसे अब मैं 2 की बात करने जा रहा हूँ, दोनों को ध्यान से समझिए, Cu और Cr को, Cu 29 होता है, Cr 24 होता है, पहले इन दोनों के गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे फिर सही बनाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में दोनों को पता रहे, गलती ना करें। Cr का KLMN बनाइए जल्दी जल्दी, KLMN अपने अपनी कॉपी में बनाइए जल्दी से, 2, 8, 2 भर देना है लास्ट में, तो यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ 2, 8, यहाँ हो जाएगा 13, और देखिए जुड़ लीजिए सबको जल्दी जल्दी जुड़िए, 2, 2, 4, 8, 4, 12, 12 और 13 कितना होगा, 12 और 13 होगा ना,
12 और 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए 8 2 10 2 12 12 24 नियम के अनुसार सही भी जा रहा है, 8 2 10 10 2 12 और 17 29 सही है। बारी को उसमें दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तभी हो सकता है जब पीछे वाला भर चुका हो, यहाँ दो से ज्यादा तभी कर सकते हैं जब ये पूरा भर चुका हो, यहाँ भी दो से ज्यादा तभी कर सकते हैं जब ये भर चुका हो, भरा ही नहीं है। तो यार अब क्या करोगे आप, तो अब देखो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये दोनों गलत है, सही क्या है, पहले में दो, दूसरे में आठ, तीसरे लास्ट वाले में एक भरना है, याद रखना है 2 8 और लास्ट में कितना भरना है 1। मैं भी समझाऊंगा इसका एक्सेप्शन क्या है जब आप बॉब प्रिंसिपल अभी पढ़ाऊंगा, तो 8 2 10 और 1 11 और 11 में 18 जोड़िए 29 और यहाँ 8 2 10 एक 11 में 13 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 24। तो ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है सीआर का और ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है सीयू का। तो ये अपने दिमाग में अपनी खोपड़ी में बैठा लीजिए, सीआर क्रोमियम और सीयू का दोनों का, ठीक है, कॉपर और क्रोमियम दोनों का। अगर कॉपर प्लस का बोलता है दोस्त, ध्यान दो कॉपर प्लस का बोलता है, सीयू प्लस का बोलेगा, तो आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा 2 8 18, समझ में आई बात, ये बात अपने खोपड़ी पर बैठा हो। इस कॉपर प्लस का बोलेगा तो आप कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बाहरी कोष से निकालोगे, ठीक है। तो दिस इज द मेन आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अच्छा आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर थोड़ा आगे भी बताओ, जैसे मान लीजिए सर आप ब्रोमीन का बता दीजिए 35 का, इलेक्ट्रॉन का बता दीजिए 36 का, थोड़ा 35 36 का बताइए तो क्या होगा। देखिए बी आर और के आर का देखिए, ये होता है 35 और ये होता है 36, ब्रोमीन का होगा तो के एल एम एन ओ एक नया पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो इसमें 2 इसमें 8 इसमें 18, अब यहाँ पे तीनों एक साथ भर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 30 से ज्यादा है, तो पहले 3 तो एकदम आराम से भरेंगे, यहाँ भी 2 8 18, अब यहाँ देखो 18 2 20 20 8 28, 28 में कितना जोड़ेंगे 35 होगा 7 8 7 15, यहाँ क्या बन जाएगा 7। इसमें आओ देखो यहाँ क्या हो गया, दो से ज्यादा है ना बारी कोष में, और दो से ज्यादा कब है जब ये पूरा भर चुका है, ये पूरा क्या हो चुका है भर चुका है, तो बारी कोष में दो से ज्यादा तभी हो सकता है जब उससे पीछे वाला भर चुका हो। यहाँ देखो 2 8 18 है और लास्ट में क्या भर देंगे 8 8 2 10 10 और 8 8 16 16 10 सॉरी 18 2 20 20 और 16 कितना हो जाएगा 36। तो बहुत इजी वे में आप इसके भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में लगाना है, अगर आप दाएं बाएं नहीं सोचेंगे तो आप गड़बड़ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के रूल्स क्या हैं, उनको कैसे हैंडल करना है और उनको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बाद, ये तो मैंने अभी जो बताया बताया ही आपको, जब मैं आप बॉब प्रिंसिपल पढ़ा दूंगा तो आपको बोहर बरी परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो इजी वे में आ जाएगा, यानी अगर आपको सिर्फ आप बॉब पता है तो बोहर बरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो पहले ही तो समझा दिया मैंने बोहर बरी के अनुसार किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप कैसे बनाएंगे, तो प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने पढ़ा था कि के एल एम एन ये सेल होते हैं, इनमें जो उपकोष होता है वो यस होता है, इसमें होता है यस और पी, इसमें होता है यस पी डी और इसमें जो होता है वो होता है एस पी डी और एफ। एक कमाल की बात बताऊं, इसके लिए एन का मान 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, इसके लिए एन का मान 2 है तो इसका मतलब ये 2s और इसको 2p लिख सकते हैं, इसके लिए एन का मान 3 है तो यहाँ पे हम 3s 3p और 3d लिख सकते हैं, इसके लिए एन का मान 4 है तो यहाँ पे हम 4s 4p 4d और 4f लिख सकते हैं। को समझ में आ रही बात, यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई दोस्त कि अगर कहीं पे 1s लिखा है तो इसका मतलब ये समझो कि यस क्या है, कोष है, ठीक है, और 1 जो है वो बता रहा है कि ये पहले कोष का है, पहला कोष है, ठीक है, ये क्या है पहला कोष है, ऐसा समझो, ठीक है, पहला कोष है यानी के कोष है, ठीक है, यानी अगर कहीं पे 1s लिखा है तो किस कोष को दिखा रहा है, ऐसे लिख दे ये किस कोष को दिखा रहा है तो के कोष को दिखा रहा है, कहीं पे 3d लिखा है तो ये किस कोष का उपकोष है, तो किस कोष की ये ब्रांच है, किस कोष की ये शाखा है, एम कोष की ये शाखा है, ठीक है बच्चों, ये बात तो आपको समझ में आएगी, ये इतना बात समझ में आया कि ये जो आगे 1 2 3 4 लिख रहे हैं वो क्या है कोष की क्रम संख्या, क्या है कोष की क्रम संख्या, दिमाग में रहेगा ये बात, एस पी डी एफ क्या है उपकोष है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब ध्यान से समझिए मेरी बात को, देखिए बच्चों हमने आपको एक बात बताया था कि जैसे जैसे आप नाभिक से बाहर जाओगे ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, यानी पहले कोष से ज्यादा ऊर्जा वाला कौन होगा दूसरे कोष का, दूसरे से ज्यादा वाला कौन होगा तीसरे कोष का, तीसरे से ज्यादा वाला कौन होगा चौथे कोष का,
तो एक बात मैं अगर आपसे कहूं कि 2s और 3s में किसकी ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है, तो देख करके तो बता ही सकते हो यार कि ये दूसरा कोश है ये तीसरा कोश है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं 3d और 4p में किसकी ऊर्जा ज्यादा है ना, 3d और 4p में किसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है 4p की ज्यादा होगी क्योंकि ये चौथे कोश का है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों 3d और 4s में किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आसान भाषा में तो आपको लग रहा है कि इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, बट अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग चलूं, रूल क्या कहता है मैं उस पर बात करूंगा अभी आपसे। मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि किसी भी उपकोष की ऊर्जा आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक नियम दिया गया उपकोषों की ऊर्जा निकालने के लिए, यन प्लस यल नियम। क्या नियम दिया गया, यन प्लस यल नियम। अब आप सोचोगे कि सर यल क्या है, यन प्लस यल नियम पढ़ाने जा रहे हैं सर यल क्या है, तो चलिए बच्चों यन प्लस यल नियम हमें सीखना है। तो उससे पहले मैं चार बातें बता दूं, पॉलिटेक्निक में आज तक उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं आपको इस हिसाब से पढ़ाऊं कि आपको हर चीज़ों का नॉलेज हो। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इस हिसाब से पढ़ें कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का अगर आए तो आप उसे गलत ना करें। ठीक है, तो चलिए एन प्लस यल नियम से पहले एक बात जान लीजिए। देखिए बच्चों, एक टर्म आता है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होता है, ठीक है, क्वांटम नंबर, या आधा हिंदी आधा इंग्लिश, चलो क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति की जानकारी होती है वो क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। तो क्वांटम संख्याएं क्या करती हैं, ऊर्जा और स्थिति बताती हैं, याद रखिएगा, पोजिशन और एनर्जी। ठीक है बच्चों, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति को बताने के लिए कौन सी संख्याओं का उपयोग किया जाता है, चार ऑप्शन दे देगा, आंसर क्या सही होगा, क्वांटम संख्याएं। फिर पूछ देगा क्वांटम संख्याएं क्या बताती हैं, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति बताती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। अब ये चार तरह की होती है, पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। मैं बहुत ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत डेप्थ नहीं ले जा रहा हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या याद रखना दोस्त, इसको स्मॉल यल से दिखाते हैं, यह जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या या कोश को बताता है, किसको बताता है, कोश को बताता है। ठीक है, यह कभी जीरो नहीं हो सकता, यह कभी शून्य नहीं हो सकता, यह कभी शून्य नहीं हो सकता। अच्छा, कभी शून्य नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है, अरे भाई जाहिर सी बात है आप जब इसको जीरो कर दोगे, मुख्य क्वांटम संख्या को आप जीरो कर दोगे तो बताओ क्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या को जीरो करने पर कोश की क्रम संख्या ही गायब हो जाएगी, कोश ही गायब हो जाएगा, यानी उस परमाणु के पास कोई कोश ही नहीं है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण ही नहीं हो पाएगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, यह होता है इसको प्रिंसिपल, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जो लोग इंग्लिश से बहुत प्रेम करते हैं वो जान ले, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आएगा दिगंसी क्वांटम संख्या, दिगंसी, ठीक है, क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, दिगंसी क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल यल से दिखाते हैं, यह उपकोष को बताता है, किसको बताता है, उपकोष को। ठीक है, यह उपकोषों को बताएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके आकार को बताएगा। ठीक है, ठीक है, और इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, जीरो से एन माइनस वन तक होता है, जीरो से एन माइनस वन तक। तो यानी कि जो यल का मान होता है, सुनते जाइए बच्चों, जो यल का मान होता है वो एन के मान पर निर्भर करता है, एल इज आल्सो डिपेंड अपॉन एन। ठीक है, एन की वैल्यू के आधार पर हम एल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है बच्चों, कहां से होता है, जीरो से एन माइनस वन तक, वन तक, जीरो से मतलब अगर मान लीजिए कि यल बराबर अगर चार दे दिया या दो दे दिया तो यल बराबर होगा जीरो और एक, जीरो और एक, क्योंकि इससे एक कम होगा। ठीक है, यल माइनस वन का मतलब इससे एक कम, अच्छा यल बराबर तीन दे दिया तो यल बराबर क्या होगा, जीरो एक दो। ठीक है, आप सीख लीजिए बच्चों, जीरो से शुरू करिए और तब तक लिखिए जब तक उससे एक कम ना लिखा जाए। और एक और ट्रिक बता रहा हूँ, ये कितना है दो, तो ये भी दो ठो मान होगा, ये कितना है तीन, तो ये भी तीन ठो मान होगा। अगर आप तीन तक लिख दोगे बच्चों तो चार मान हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि जितना यन होता है उतना ही कुल मान यल का भी आता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति की जानकारी देता है। कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है, इसमें मैंने दो समझा दिया आपको, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे यन से दिखाएंगे,
या कभी भी शून्य नहीं हो सकता, या किसको बताता है, या कोष को बताता है, ठीक है, या मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है, कोष यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर, कोष यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है, कोष यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर, कोष क्या है, मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं उपकोष को, उप मुख्य ऊर्जा स्तर, उप मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है बच्चों। अच्छा, द्विगंशिक क्वांटम संख्या किसको दिखाते हैं, एल से, ये क्या होता है, जीरो से एन माइनस वन तक। तीसरा आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यार इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, ये कमेंट मत करना सर इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे, बोल दे रहा हूँ, लिख लो, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे दिखाएंगे, छोटका यम से, स्मॉल यम से, ठीक है, कुछ किताबों में यम एल भी लिखा है, ठीक है बच्चों, परेशान नहीं होना है, एम एल भी लिखता है, ठीक है, कोई बात नहीं, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो यल पर डिपेंड करती है, एम की जो वैल्यू है वो एल पर डिपेंड करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान है वो द्विगंशिक क्वांटम संख्या पर डिपेंड करता है, इसका जो मान होता है वो माइनस एल से प्लस एल तक शून्य सहित, ठीक है, इंक्लूडेड विथ जीरो, जीरो को इंक्लूड करते हुए माइनस एल से शुरू करेंगे प्लस एल तक जाएंगे। अभी मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, थोड़ा सा एक डब्बा और इधर बना लो, चलो भाई दूसरे देश में भी घुस जाते हैं, एन प्लस एल वाले देश में, तो दूसरा डब्बा क्या है कि मान लो एल बराबर तीन है, तो एल बराबर जीरो और एक और दो आएगा। अब यम का मान निकालोगे तो पहले जीरो के लिए निकालोगे, अब बताओ दोस्त जीरो धनात्मक और ऋणात्मक होता है, जीरो तो जीरो होता है, तो यम का मान जीरो हो जाएगा, लेकिन यल के लिए जब लिखोगे, सबके लिए लिखना होगा अलग अलग, इसके लिए लिखोगे तो माइनस यल, तो यानी माइनस वन, यार माइनस करो उसको, फिर आएगा जीरो, फिर क्या आता है प्लस वन, टू के लिए लिखो तो क्या होगा, टू शुरू करो माइनस से, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, ये किस बच्चे से गलत नहीं होगा, उस बच्चे से गलत नहीं होगा जो नंबर सिस्टम की जानकारी रखता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वन टू थ्री फोर, संख्या रेखा पर आप जानते हैं कि माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, जा रहे हैं ना, मतलब अगर जीरो से बाएं साइड में जाते हैं माइनस और दाएं साइड में जाते हैं तो प्लस, अब बताओ माइनस टू से शुरू करना है, कहां तक जाना है, जब तक वो प्लस ना हो जाए, तो यार माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, कुछ गणितज्ञ बहुत खतरनाक दिमाग लगाते हैं सर, ऐसा है यहाँ वन के लिए तो लिख चुके हैं, ठीक है ना, अब कुछ तो इतना दिमाग लगाते हैं सर जीरो के लिए तो जीरो लिख चुके हैं, वन के लिए माइनस वन लिख दो प्लस वन लिख दो, जीरो इसमें कॉमन नहीं हो गया, बहुत खतरनाक खतरनाक दिमाग, ऐसा मत लगाइएगा भैया, सबके लिए आप मान निकालिएगा, समझ रहे हैं बात को, और सबके लिए जो मान आएगा वो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा माइनस यल से प्लस यल तक। चलो बच्चों ये हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये क्या करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या ये आकाशीय व्यवस्था को दिखाता है, ये आकाशीय व्यवस्था कोशों के आकाशीय व्यवस्था को दिखाता है, ठीक है, स्पेशियल ओरिएंटेशन को दिखाता है, स्पेशियल यानी कि आकाशीय व्यवस्था, वहां से दिखता नहीं इसलिए मैंने मिटा दिया, जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होता है यह कोशों के जो है ओरिएंटेशन को बताता है कि किस प्रकार वो व्यवस्थित है, उनके लोब्स किस प्रकार है, जैसे एस पी डी एफ ऑर्बिटल सब में पढ़ा था ना, उनकी ओरिएंटेशन को बताता है, आकाशीय व्यवस्था को बताता है, ये सब रेयर केस में पूछा जा सकता है, जानकारी बस दे रहे हैं क्योंकि अभी मुझे जो क्वेश्चन कराना है वो आसानी से हो जाएगा। तो मैंने अभी आपसे बात की तीन तरह की क्वांटम संख्याओं की, मुख्य क्वांटम संख्या की बात की, द्विगंशिक क्वांटम संख्या की बात की, और किसकी बात कर ली आपसे, चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात कर ली, चुंबकीय क्वांटम संख्या को यम से, द्विगंशिक क्वांटम संख्या को यल से, और मुख्य क्वांटम संख्या को यल से दिखाएंगे। अगला आएगा दोस्त चौथा चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको आप यस से दिखाइए या यम यस से दिखाइए, ठीक है, यानी कि जो स्पिन क्वांटम संख्या होता है वो किस पर डिपेंड करता है, यार यम पर डिपेंड करता है, ठीक है, और डिपेंड क्या करना है, किसी भी यम के लिए, याद रखो किसी भी यम के लिए, यम के लिए चाहे वो जीरो हो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, किसी भी यम के लिए एस का मान, एस का मान दो ठो आएगा, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ होता है, ठीक है, और ये क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉनों की स्पिन को बताता है, क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्वांटम नंबर क्या हो गए, क्वांटम संख्या वे संख्याएं हो गई जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति की जानकारी देती है। ये कितने प्रकार की होती है दोस्त, चार प्रकार की होती है, पहला मुख्य क्वांटम संख्या या यन से दिखाएगा या शून्य नहीं होगा या सेल को बताएगा, मुख्य ऊर्जा स्तर को बताएगा, द्विगंशिक क्वांटम संख्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे यन से दिखाएंगे स्मॉल यन से, इसका मान जो होगा वो यन पर डिपेंड करेगा और वो जीरो से एन माइनस वन होगा,
टोटल वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ एल, एल का जितना कुल मान होता है उतना ही कुल मान एल का भी होता है, ठीक है। अब देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या इसे एम से दिखाएंगे या माइनस एल से प्लस एल तक जीरो साइज होता है या ऑर्बिटल के अभिविन्यास को आकाशीय व्यवस्था ऑर्बिटलों के आकाशीय व्यवस्था को दिखाता है। किसके आकाशीय व्यवस्था को दिखाता है? ऑर्बिटलों के, ठीक है, ऑर्बिटलों के आकाशीय व्यवस्था को दिखाता है। इसको हम क्या करते हैं, माइनस एल से शुरू करते हैं प्लस एल तक लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो एल दिया है, एल बराबर दो दिया है, ठीक है, और एम का कुल मान पूछे, एम का कुल मान पूछे तो वो होता है बच्चों टू एल प्लस वन, तो टू इंटू टू प्लस वन कितना मान आ जाएगा, पाँच। देखो पाँच आया होगा, एक दो तीन चार पाँच, एल का मान दिया हो और एम का कुल मान पूछे तो वो होता है टू एल प्लस वन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये बात हो गई बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या की। अब हम बात करेंगे यार चक्रण क्वांटम संख्या, सबसे आसान है किसी भी एम के लिए, सीधा सीधा आयतन में प्लस माइनस हाफ होता है। तो मैं बताने जा रहा था कि किसी भी कोश की ऊर्जा का जानकारी आप कैसे निकालेंगे, क्वांटम संख्या से, और उसके कौन सा नियम दिया गया, एन प्लस एल नियम। तो क्या आपने इसे पॉज करके नोट कर लिया दोस्त, जल्दी नोट करिए, नोट हो गया, जल्दी नोट करिए, मिटा दो इसको। तो चलिए बच्चों अब एन प्लस एल नियम देखेंगे। अभी तक तो बस समझ में आ गई एन एल का क्या कॉन्सेप्ट है। चलो अब मैं तुमसे पूछूं वन एस और टू एस में किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, तो कुछ एक मिनट रुक जाओ, वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखो, ये जादू है, ये ट्रिक है। एल बराबर जीरो वन टू थ्री एस पी डी एफ, मैंने जब भी मैथ पढ़ाया है तो आपको सिखाया है कि बाबू कोई दुनिया की ट्रिक नहीं होती, वो ट्रिक ही कॉन्सेप्ट होता है, बताने वाला ट्रिक कह के अपनी आवाज लुटता है और आप उसमें खुश रहते हैं। तो फिलहाल अगर एल बराबर जीरो है तो एस को दिखाएगा, एल बराबर वन है तो पी कोस को दिखाएगा, एल बराबर टू लिखा है तो डी उप कोस को दिखाएगा, एल बराबर तीन लिखा है तो एफ उप कोस को दिखाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि एल बराबर जीरो प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है ऑप्शन ए यस, बी पी उप कोस को, डी एम कोस को, अरे वाह, और सॉरी सी और डी लिख ले कि एन कोस को। अब क्या आंसर सही होगा यार, एस उप कोस को, एल बराबर जीरो है तो एस उप कोस को दिखाएगा, एल बराबर वन है तो पी उप कोस को दिखाएगा, एल बराबर टू है तो डी उप कोस को दिखाएगा, एल बराबर थ्री है तो एफ उप कोस को दिखाएगा। तो वन एस और टू एस में किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है, सॉरी किसकी ऊर्जा ज्यादा है, उसे कौन हैवियर एनर्जी का है, ठीक है, ग्रेटर एनर्जी का है। तो क्या करोगे यार, कुछ मत करो, देखो एन बराबर एक होगा, वो कैसे, जो आगे लिखा वो एन है, इसकी तुलना कर दो एन एल एक्स से, एक्स होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो तो है नहीं, उसकी बात तो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ आपसे। अच्छा बच्चों अब क्या करेंगे, देखो एन बराबर एक हुआ और एल बराबर हो जाएगा जीरो, यहाँ एन बराबर दो हुआ और एल बराबर हो जाएगा जीरो, तो एन प्लस एल क्या आ जाएगा दोस्त, वन प्लस जीरो, और 1 प्लस 0 का मतलब होता है 1, यहाँ n प्लस l क्या आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस 0, इसका मतलब 2, जिसके लिए n प्लस l ज्यादा, जिसके लिए n प्लस l ज्यादा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है। अब n प्लस l किसके लिए ज्यादा बताओ, 1s के लिए कि 2s के लिए, 2s के लिए, तो कौन सी ऊर्जा ज्यादा होगी, 2s की ज्यादा होगी। लेकिन अगर एक ऐसा कंडीशन आएगा जब दोनों के लिए n प्लस l बराबर हो जाएगा, जैसे ये तो हो गया बॉक्स करके जल्दी नोट करो यार, हो गया, अगर दोनों के लिए n प्लस l का मान बराबर हो गया, जैसे मैं अगर बात करूं 3d और 4s की, तो यहाँ n बराबर 3 है और l बराबर 2 है, समझ में आ रहा है n बराबर 3 कैसे, अरे मेरे भाई जो आगे लिखा है वो n है, जो बाद में लिखा है उसको यहाँ से पहचानेंगे, तो n प्लस l क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, एल बराबर 4, एल बराबर 0, तो एल प्लस एल बराबर 4 धन 0 बराबर 4। अब किसकी ऊर्जा ज्यादा हो गई 3D और 4S में, 3D की ज्यादा हो गई, लग तो ये रहा था कि इसकी ज्यादा होगी, किसके लिए n का मान तो ज्यादा था, ठीक है, लेकिन याद रखना है कि जिसके लिए n प्लस l ज्यादा होता है उसी की ऊर्जा ज्यादा होती है, समझ में आ रही बात। अच्छा अब ध्यान दो 3D और 4S की बात करो, 4P की बात करो, तो यहाँ भी n प्लस l निकालोगे तो 5 आएगा, 3 और 2 5, यहाँ n प्लस l निकालोगे तो 4 और 1 5 आएगा। अब मजे की बात ये कि दोनों के लिए n प्लस l बराबर हो गया, तो यहाँ देखना होगा जिसका n ज्यादा होगा n प्लस l बराबर होने पर
जिसका यन ज्यादा होगा, जिसका यन ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी ज्यादा होगी। तो किसका यन ज्यादा है बताओ, 4p और 3d में, 4p का तो किसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, 4p का। तो क्या आप यन प्लस यल नियम समझ पाए? यन प्लस यल नियम वह नियम है जिसके द्वारा हम किसी भी कोषों की ऊर्जा की जानकारी बता सकते हैं। इसके लिए हमें दो काम करना होगा, एक तो कंपेयर करना होगा, कंपेयर करके हमें यन और यल की वैल्यू फाइंड करना होगा। यार बहुत आसान है, जो आगे लिखा है वो यन है और यल की वैल्यू यहाँ से निकाल लो ना यार मैजिक नंबर से, 0 है तो यस होगा, 1 है तो पी होगा, 2 है तो डी होगा और 3 है तो क्या होगा एफ होगा। अब कुछ मत करो, एम प्लस एल की वैल्यू फाइंड करो, जिसके लिए एम प्लस एल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, अगर बराबर है तो देखो किसका यन ज्यादा है, बराबर होने पर जिसका यन ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी ज्यादा होगी और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसके बगल वाले की ऊर्जा क्या होगी कम होगी। तो ये हो गया यन प्लस एल नियम, बिठाता हूँ बच्चों। अब आते हैं, ये तो हमने पढ़ा था कोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करते हैं, तो हमने पढ़ा था बोहर वाले का नियम। अब आएंगे उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण, किसके नियम के अनुसार उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन का वितरण, और ये होता है अफबाउ नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? अफबाउ नियम, अफबाउ नियम। कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं, अफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है बाबू, जर्मन भाषा का शब्द है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो कोई वैज्ञानिक का नाम है, जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना, रचना या निर्माण करना। तो याद रखिए अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार करते हैं? अफबाउ नियम के अनुसार करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? ऊर्जा के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, उपकोषों में, क्योंकि किस में इलेक्ट्रॉन का वितरण कर रहा है? उपकोष में, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन का वितरण ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊर्जा का क्रम बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण बढ़ता जाएगा। तो कोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अब ये ऊर्जा का क्रम निर्धारित कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं पहले इसको नोट करिए, फिर मैं वो चीज सिखाऊंगा जिसको बहुत परेशानी होती है लोगों को सीखने में। बेटा बच्चों चलो, अब देखो कोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण हम करते हैं, एक बहुत ही शानदार ट्रिक है मेरी, वो याद रखिएगा, यस यस पी, ठीक है, यस पी एस, ठीक है, डी पी एस, ठीक है, फिर आएगा डी पी एस, ठीक है, फिर आएगा एफ डी पी एस, ठीक है। ये चीज याद रखना आपको, क्या याद रखना है, एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, ठीक है। एसएसपी को 122 नंबर पर फोन करिए, एसपीएस को 345 नंबर पर फोन करिए, ठीक है, 334 नंबर पे, सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 334। डीपीएस को 345 नंबर दीजिए, इनको 456 नंबर दीजिए और इनको 4567 नंबर दीजिए। अब आप कहोगे सर ये 1 2 3 ये सब क्या है, तो आप ये जान लो बच्चों, ये जो वन है ना वो इसके आगे आएगा, यानी इसको हम अगर लिखने की कोशिश करें तो 1s, फिर ये आएगा तो 2s, फिर ये आगे आएगा तो 2p, समझ रहे हो, ऐसे ही सब 3s, फिर क्या आएगा बच्चों 3p, फिर क्या आएगा 4s, समझ आई बात। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या सीखनी है आपको, कि s में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, d में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और एफ में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 14 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखूंगा इसके सर पे, 2 2 6 2 6 2, फिर देखो 3d है ना, 3d 10, ठीक है, 4p 6, 5s2, ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। अब देखो आपको कितने इलेक्ट्रॉन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया, गिनो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38, यानी एसएसपी साहब हमको कितने इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन का, एसपीएस साहब भी कितने इलेक्ट्रॉन का देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन का, और जब दोनों का बना देंगे मिला करके तो 20 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। डीपीएस साहब किसका देंगे, 18 इलेक्ट्रॉन का, तो अब जब इन तीनों को मिला लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 38 इलेक्ट्रॉन का, समझ में आ रही बात।
फिर इसमें 18 जोड़ दीजिए तो 8 8 16 56 इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा, फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए तो 88 इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा। यानी जो मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको बताया है वो 88 इलेक्ट्रॉन तक का बना सकते हैं। इसके बाद एफटीपी एक और लिख लो और 5667 का आपका वो पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं बात कर रहा हूँ 118 हो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए, अभी मैं 88 का बता रहा हूँ। पहले आपको कोड याद रखना है एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस। एसएसपी के लिए कोड कितना है 122। ये सब कहाँ लगेंगे बच्चों? आगे। ये सब कहाँ लगेंगे? आगे। और एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। पी में कितना भरेंगे? 6। डी में कितना भरेंगे? 10। और एफ में कितना भरेंगे? 14। अब बताओ किसकी ऊर्जा 1s 2s में किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? 2s 2s से ज्यादा किसका होगा? 2p का। 2p का ज्यादा किसका होगा? ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है ये, इसका इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, ऐसे सबका होगा। 4, 5s के बाद किसका होगा? 4d का होगा। अब निकाल के चेक कर लेना मेरे दोस्त, सब सही होगा। 5d का इससे ज्यादा होगा। ठीक है, 5d के बाद होगा 6s2, फिर उसके बाद होगा 4f14, फिर उसके बाद होगा 5d10, फिर उसके बाद होगा 6p6, फिर उसके बाद होगा 7s2। ये क्रम है उसके ऊर्जा का। ठीक है, बहुत याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ आगे लिखा है। ठीक है, इसके आगे तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS याद कर लो यार। SSP, SPS, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत इजी वे में बन जाएगा, तो प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जैसे लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम का 1s2 और 2s1 होगा। आपको याद रखना है SSP, SP, S और DPS, बस इतना याद करो, बहुत सारा काम हो जाएगा। तो 122 था तो 1 आ गया, 1s2 पढ़ेंगे इसको, 2s2 हो गया। अब ध्यान दो, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो कैसे बनाओगे? सोडियम का बनाओगे यार 1s2, फिर इसको लिखोगे 2s2, 2p6। ये ऊपर तो लिख रहे बच्चों, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या आ जाएगा? 3s1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 334 होता है। तो अब क्या हो गया? अब आप यहाँ देखिए कि आपने 11 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है बच्चों? जो समझने वाली चीज ये है कि क्या इससे हम बोरबरी का नियम पा सकते हैं? बिल्कुल। वन पहले कोष को दिखा रहा है, तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 किसको दिखाता है? दूसरे कोष को, तो 6 और 2 8। और 3 किसको दिखाता है? तीसरे कोष को, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1। तो बड़े आराम से हम अगर अबव प्रिंसिपल जानते हैं तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना सकते हैं। तो अबव प्रिंसिपल आपको सीखना बहुत जरूरी था। अभी मैं इसके आगे अगर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको सिखाऊं तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। जैसे Cl का देखो बच्चों, तो क्या होगा? ये सब आगे आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना हो गया? 2, 2, 4, 6, 10, 12 और 3p5। क्यों? 12, 5 कितना हो गया? 17। अब इससे आप भाव पता कर बोरबरी का निकालो, तो यहाँ हो गया 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में कितना हो गया बच्चों? 7। तो 2, 8, 7 हो जाएगा 17 का। तो बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फाइंड आउट करना, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। तो अच्छा चलिए आइए Cr और Cu का निकाल ही लेते हैं, क्योंकि वो भी आपको जरूरी था जानना। देखिए बच्चों, एक बात कही जाती है केमिस्ट्री में कि आधा भरा हुआ उपकोष और पूरा भरा हुआ उपकोष बहुत अस्थायी होता है। Cr और Cu में यही कॉन्सेप्ट है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, ये बनता है Cr का। Cu का 3d10 और Cr का क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d क्या हो जाएगा? 5। कुछ ऐसी बातें होंगी, कॉमा लगाइए ना लगाइए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब डिस्कस करने वाली चीज ध्यान नहीं है। अब ध्यान दो, तो कॉपर का बना लिया आपने, तो कॉपर का होता है 29। होना क्या चाहिए था? यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ 9 होना चाहिए था, 4s2 3d9 होना चाहिए था, बट ऐसा बनता नहीं है बच्चों। ठीक है, 4s1 3d10 हो जाता है। क्यों होता है? मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन डी में नॉट हुआ है, पूरा नहीं भरा है, आधा नहीं भरा है। अभी हुंड नियम में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट करके इसमें चला जाता है, जब आपको हुंड नियम पढ़ा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो है ये आधा नहीं तो भरा है ना पूरा भरा है।
तो ये चाहेगा कि ये पूरा भर जाए, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ जाएगा तो कंप्लीट फिलअप हो जाएगा और बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह सीआर की बात करें तो ये 4s2 3d4 बनता है पहले, लेकिन 4s2 3d4 गलत होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो देखो 3d4 का मतलब चारों में भरा है, एक में नहीं भरा है, ये ना मतलब का। अब चार आधा भरा है, एक और आधा भर जाएगा, तो पूरा पूरा अगर भर गया है एक ठो बहुत ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा डिस्कस करने की चीज नहीं थी, बट ये मैं बताना ये चाह रहा था कि एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, बस उसमें कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था। तो सीआर और सीयू का मैंने बता दिया, यही पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। अगर सीआर प्लस का पूछे, देखो ध्यान से समझो बच्चों, सीआर प्लस का पूछे तो प्लस का मतलब बाहरी कोष कौन होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ये तो गलत है, इसको मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर चुके होंगे, इसको मिटा दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो ये 4s0 हो जाएगा और ये 3d5 हो जाएगा। अगर Cu प्लस का पूछे बच्चों, ठीक है, जब भी किसी प्लस का पूछता है तो पहले उदासीन का बनाओ, गलती नहीं होगा, यहां 4s0 हो जाएगा और ये 3d कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। अगर Cu प्लस 2 का पूछे, यानी कि दो ठो प्लस हो, दो प्लस हो, तो परमाणु क्रमांक तो 29 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 27 इलेक्ट्रॉन, और 27 इलेक्ट्रॉन के लिए एक तो यहां से निकाल चुके हो, एक यहां से निकालोगे, तो 3d क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। सबसे बाहरी कोष कैसे पहचानेंगे, यंग का मान, जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बाहरी कोष को बताएगा। तो ये बातें रही आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा का भी आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिखाया है उस हिसाब से, ठीक है बच्चों। इसको पॉज करके नोट करिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, दो और कॉन्सेप्ट है जिनकी बात कर ले। हुंड का नियम ये कहता है, बस नियम को जान लीजिए, बाकी बातें इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। हुंड का नियम ये कहता है कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकते, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित, युग्मित मतलब समझते हैं पेयर, जोड़ा नहीं बन सकता उन लोगों का, तब तक युग्मित नहीं हो सकते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते, एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए P3 है, तो P में कितने डब्बा होता है, 3, या P4 है, तो कैसे P4 भरेंगे, आपको मैंने बताया एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, तो आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लो, फिर आप इसकी पेयरिंग कराओ, ये सही है। आप ऐसा नहीं भर सकते इसका, आप ऐसा नहीं बना सकते कि चलो सर दो दो भर दिया, ये गलत है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले एक एक भरना होगा और फिर उसके बाद से उसमें पेयरिंग करानी होगी। जैसे मान लीजिए D4 है, तो D4 है तो D में कितना डब्बा होता है, 5, ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 है तो 4 ही भरेंगे, ये सही है। ऐसा नहीं करेंगे कि D4 में 5 डब्बा बना लेंगे और ये सर बस 1 2 3 4 सब देखिए पेयर कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है बच्चों। तो इतना पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं पॉली या पॉइज़न की तरफ। कुंड का नियम हो गया, बस जनरल आइडिया चाहिए, पूछता नहीं है, ये पूछेगा तो भाई बनाना ही पड़ेगा, जानना ही चाहिए इस चीजों को, एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक के अंतर्गत ये आएगा, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए पाउली का पॉइज़न नियम क्या कहता है, यह नियम ये कहता है कि किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, लिख लीजिए कॉपी में, किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए क्लोरीन के अगर हम 15वें इलेक्ट्रॉन और 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालें, तो 15वें और 17वें के लिए चारों क्वांटम संख्या n का, l का, m का और s का मान निकालें, तो ये कभी इन दोनों के लिए सेम नहीं आएगा। अगर n, l, m और सेम भी आ गया तो s हमेशा डीपर आएगा। यही कहता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि अब इसके न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के, मैं नहीं चाहता यार कि इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो, तो ये एक वीडियो लेक्चर और मुझे बनाना होगा, अपलोड करना होगा डे 11 के बाद डे 12 में, जिसमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके कराऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के और इसकी कुछ एग्जांपल्स करा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से मैं इसको कवर आउट करके और नया चैप्टर भी शुरू कर सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको देखते रहिए, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मेरे वीडियोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सके, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।